दोस्तों, मोबाइल से तत्काल टिकट निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको तत्काल टिकट निकालने के पहले ही दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप एसी का टिकट बुक करना चाहते हैं तत्काल में, तो आपको सुबह में 10 बजे का समय है, और आप नॉन एसी का टिकट बुक करना चाहते हैं तत्काल में, तो आपको सुबह में 11 बजे का समय है, ठीक है। देखिए, मेरा अभी 11 बजने को है, 2 मिनट पहले ही आपको ये जो एप्लीकेशन है आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि इस समय में तत्काल का जो समय होता है उस समय इसका जो सर्वर है वो पूरा डाउन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अगर तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले यानी कि 24 घंटा पहले ही आपको ट्रेन टिकट को बुक करना होता है, यानी कि ट्रेन स्टार्ट होने से 24 घंटा पहले ही, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा जो IRCTC का जो अकाउंट है उसको मैं यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। ट्रेन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर बुक टिकट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको फॉर्म में कहाँ से कहाँ तक जाना है, मेरे को जमुई से हावड़ा तक जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं हावड़ा स्टेशन है कलकत्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्टेशन का जो नाम है वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ फ्रॉम और टू में, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद आपको तत्काल टिकट बुकिंग करना कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सर्च ट्रेन का ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन का जो पिन है उसको आपको यहाँ पे एंटर करके आपको इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपका एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है, जिससे कि आपका IRCTC का जो अकाउंट है वो बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, बहुत ही आसान है तत्काल टिकट को बुक करना है, ठीक है ना, लेकिन आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे आपको तत्काल में सेलेक्ट कर देना है। और देखिए, मेरा अभी आज 28 अगस्त है, तो मेरे को कल जाना, यानी कि एक दिन पहले आपको टिकट बुक करना, तो यहाँ मैं 29 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मैं सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेट समय लेगा। उसके बाद देखिए, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेरा जनशताब्दी एक्सप्रेस है सुबह में 7:38 पर जमुई से कलकत्ता के लिए, यानी कि हावड़ा के लिए, ठीक है। ये 5 घंटा 47 मिनट का समय लेगा, और ये 1:25 में आपका जो हावड़ा है वहाँ पे आपको पहुँचा देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो अभी तत्काल का अवेलेबल टिकट है 321 टिकट है 29 अगस्त को, यानी कि कल का, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर देखिए, 200 रुपये आपका टिकट का जो किराया है वो लगने वाला है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका 321 टिकट आपका खाली है। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। फिर से ये थोड़ा सा समय लेगा, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको ओके करना है। देखिए, मेरा पहले से 2 पैसेंजर का मैंने मास्टर लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। अगर आपने ऐड करके रखे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ऐड न्यू करके आप पैसेंजर को ऐड भी कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पर पहले से ऐड है, तो चलिए मैं इसी में से सेलेक्ट करके जितना भी टिकट निकालना चाहते हो उतना आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए, रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फिर से आपको यहाँ पे एक OTP देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन OTP, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी OTP आ जाएगा हमारा। यह आपका जो किराया है वो आपका 218 रुपया 15 पैसा हो चुका, क्योंकि GST वगैरह भी इसमें आप लगता है ना, IRCTC का। देखिए यहाँ पर, अभी देखिए 293 टिकट हमारा बचा हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी आपका बुक हो जाता है। 2 से 3 मिनट का आपका समय देता है ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए। इतना देर में अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपका जो टिकट है वो बुक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, प्रोसेस टू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद इसको देखिए, इस तरीके से पेमेंट करने का आपका ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए, इतना सारा ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर, EMI ऑन कार्ड, वॉलेट, ऑटो प्ले, इस तरीके से इतना सारा ऑप्शन आ जाएगा आपको पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी आपको मेथड से पेमेंट करना है, जिस भी आपको मेथड में सुविधा है फ्रेंड्स, वहाँ से आप अपना पेमेंट को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कल टिकट निकाला, तो ये कार्ड हमारा सेव है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कार्ड का पीछे में जो व्हाइट पट्टी में CVV नंबर होता है 3 अंकों का, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद प्रोसेस टू पे आपको क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा बैंक की तरफ से, और जो आपका पेमेंट है वो ऐप पे पेमेंट कर जाएगा, और आपका जो टिकट है तत्काल टिकट वो आपका बुक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।